नमस्कार दोस्तों, आप हमारे वी फॉर यू त्यागी चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, आज का टॉपिक है हाशिमा HP 450 MS फ्रीजिंग मशीन, जिसका मॉडल नंबर HP 450 MS, पावर सप्लाई सिंगल फेज 220 वोल्ट, जिसमें हीटर है 4.5 किलोवाट, जिसमें मोटर लगा है 40 वाट, जिसमें मैक्सिमम टेम्परेचर जो सेट कर सकते हैं 195 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसमें मैक्सिमम प्रेशर 1.5 kg/cm, जिसमें मैक्सिमम बेल्ट स्पीड 8.7 मीटर प्रति मिनट, हीटिंग टाइमर 5 to 20 सेकेंड, फ्यूजिंग बेड 480 mm, मशीन के डिस्प्ले पर लगे नंबर 1 थर्मोस्टेट PID कंट्रोलर, नंबर 2 पर टाइमर स्विच, नंबर 3 पर स्पीड नॉब, नंबर 4 पर स्टार्ट पुश बटन, नंबर 5 पर स्टॉप पुश बटन। PID में सबसे ऊपर मशीन का एक्चुअल टेम्परेचर, नीचे सेटिंग टेम्परेचर, एडजस्टिंग की, प्लस एक माइनस, एक पैरामीटर की। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि मशीन का टेम्परेचर, जिसको हम PID कंट्रोलर में सेट करते हैं, उतने मान तक नहीं बढ़ता है, जिससे फ्यूजिंग सही नहीं हो पाती। इसके लिए जो प्रोसीजर हम अपनाते हैं वो निम्न है। सर्वप्रथम मशीन का नीला कवर खोलकर डिस्प्ले लगा है उसे खोलते हैं। खोलने पर पता चलता है कि हीटर को ऑन होने के लिए एक SSR रिले लगा होता है, जिसको हम सॉलिड स्टेट रिले भी कहते हैं। SSR पर लगे हीटर के दोनों टर्मिनल को खोलकर उनको मल्टीमीटर से कंट्यूटी चेक कर लेंगे। यदि कंट्यूटी सही है तो प्रत्येक वायर को आपको हीटर के बॉडी से कंट्यूटी चेक करते हैं। यदि कंट्यूटी नहीं आ रही है तो हीटर अर्थ नहीं है। यदि कंट्यूटी नहीं आ रही है तो हीटर ठीक है। ये कंटिन्यूटी हम मल्टीमीटर में बीप आवाज़ देने वाले पॉइंट पर मल्टीमीटर को सेट करके करते हैं। अब हम देखते हैं कि SR रिले ठीक है या नहीं। SSR रिले ठीक होगा तो ग्रीन LED जलेगी, और यदि खराब होगा तो लगातार कंटिन्यूसली रेड LED चलेगी। SSR पर 2 LED लगा होता है। फिर मल्टीमीटर से SSR की आउटपुट भी चेक कर ले। SSR खराब है यदि आउटपुट नहीं दिखाए। इस प्रॉब्लम में मेरा अपना एक्सपीरियंस यह है कि 90% केस में SSR खराब होता है, हीटर बहुत कम खराब होता है। उसके लिए हम केवल SSR को पहले चेक करते हैं, फिर हम फॉल्टी SSR को चेंज करके अपनी मशीन का टेम्परेचर देखते हैं। यदि टेम्परेचर सही आता है
तो मशीन चालू करके फ्यूजिंग देखते हैं, यदि फ्यूजिंग भी सही है तो मशीन को प्रोडक्शन को हैंडओवर कर देते हैं। दोस्तों फ्यूजिंग मशीन पे हमारी दो वीडियो हो रहे हैं, जिनमें से एक कन्वेयर बेल्ट को सेंटर में बैलेंस करने की है और दूसरी सर्वो मोटर पर है। उन दोनों वीडियो का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा।